यादव हैं वो रिमांड लिया आशीष मिश्रा की, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आप? 12 से 15 दिनांक 12/10 से 15/10 तक 3 दिन की। 12/10 से 15 वाली यूनिट है ना, सबके कैमरे लगे उधर भी। एक बात बोल दीजिए सर, पूरी बात बता तो दिया भाई, 3 दिन का नीचे करिए उनका, अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर बात कर सकते। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ? मेडिकल टीम नहीं रहेगी, उनके परीक्षण के लिए कहा गया है। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उनको कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव। रिक्रिएशन ऑफ सीन का कोई जिक्र है? तो जो वकील हैं एसपी यादव, उनकी तरफ से कहना है कि 14 दिन की रिमांड अभियोजन पक्ष की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड मुकर्रर हुई है, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी है और शर्तों के साथ दी है। शर्त यह है कि मेडिकल कराया जाएगा और जब पूछताछ की जाएगी रिमांड पर लेकर, तो वकील की जो टीम है वो उसको वॉच भी करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, सीजीएम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, आज पेशी थी आशीष मिश्रा की। गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा की जो रिमांड है, 3 दिन की रिमांड दी गई है। लखीमपुर कांड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, बाकायदा शर्तों के साथ भेजा गया है, जैसा कि वकील बता रहे हैं। मेडिकल कराया जाएगा और जब सुनवाई होगी, पूछताछ होगी, पुलिस द्वारा जब पूछताछ होगी तो जो वकीलों की टीम है वो उसे वॉच कर सकती है। और लखीमपुर से हमारे संवाददाता आमिर रजा जुड़ गए हैं। आमिर, जो फैसला आया है कोर्ट का, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है, हालांकि रिमांड जो मांगी गई थी 14 दिन की। जी, 14 दिन की रिमांड के बाद लगातार एसआईटी की टीम यहाँ कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से फैसला आया है उसमें 3 दिन की रिमांड की इजाजत दी है। इसके अलावा सशर्त रिमांड दी गई, उसमें कहा गया है कि जो आरोपी पक्ष है उनके वकील उनको वाच कर सकते हैं, उनके सामने उनको दूर से वाच कर सकते हैं, उनके सामने पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा तमाम थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा, इस तरीके की है। इसके अलावा कल 10 बजे से ये रिमांड 12 तारीख को 10 बजे से ये रिमांड 15 तारीख तक चलेगी। ऐसे में देखना यह है कि लगातार जो एसआईटी कह रही थी कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, ऐसे में 3 दिन में कौन से वो सवाल है जिन सवालों का जवाब एसआईटी चाहती थी और वो तलाश करेगी। आमिर, जो सवालों के जवाब पहले आशीष मिश्रा ने नहीं दिए हैं और जो 3 दिन की रिमांड दी गई है, क्या लगता है इन 3 दिनों के बाद जब पेश होंगे अदालत के सामने तो वो जो सवाल पूछे जाने हैं उन सवालों का जवाब जांच टीम को मिल जाएगा? देखिए, एसआईटी टीम जो गठित की गई थी उसके बाद एसआईटी टीम ने अपने आशीष मिश्रा की को हाजिर होने से पहले मौका मुआयना नहीं किया था, यही वजह से थे कि जो जवाब आशीष मिश्रा दे रहे थे उसका क्रॉस जवाब सवाल उनके पास नहीं था। अब ऐसे में चूंकि एसआईटी के पास मौका हो चुका, उसने मौके पर जाकर साक्ष्य संकलित किए, इसके अलावा वहाँ आसपास के लोगों से मुलाकात की, लोगों से बयान लिए, ऐसे में जरूर क्रॉस क्वेश्चन के लिए सवाल उनके पास होंगे। और वही सी बात, जब सवाल क्रॉस क्वेश्चन के होंगे तो एसआईटी जिस तरीके के जवाब चाह रही है वैसे जवाब मिल सकते हैं, यही उम्मीद एसआईटी को होगी। यही वजह है कि उसने 3 दिन की रिमांड ली है। अभी अभियोजन पक्ष के जो वकील है उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा 3 दिन की रिमांड दी गई है, इसके अलावा हमारे पास 15 दिन का टाइम है, अगर हम जरूरत समझेंगे तो दोबारा इनकी रिमांड लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आमिर, इसके अलावा अगर बात करें जो सशर्त बात कर दी गई शर्तों के साथ, जो शर्त है वकील वॉच कर सकते हैं, जो वकील टीम है वो वॉच क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेगी या जहां पूछताछ होगी वहां पर वकील की टीम बैठी होगी?
देखिए वकील की टीम बैठी होने की बात नहीं कही गई है, ये कहा गया है कि इनका वकील जब उस पे आरोपी आशीष मिश्रा से सब सवाल जवाब एसआईटी टीम करेगी तो ये दूर से वाच कर सकते हैं, इतनी दूर से वाच कर सकते हैं कि उनके सवालों के जवाब में इंटरफेरेंस ना रहे इनका, लेकिन थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना हो, बिल्कुल थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना हो और दबाव ना बनाए, जो जांच टीम है उसकी निगरानी कर सकती है वकीलों की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आशीष मिश्रा की रिमांड जो है 3 दिन की दी है कोर्ट ने और 3 दिन के बाद दोबारा पेश होंगे, उसके बाद क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी ये देखने वाली बात होगी। और यूपी की बात फिलहाल